नमस्ते गाइज, मुंगेर यूनिवर्सिटी वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। यह न्यूज़ पार्ट वन वालों से संबंधित है जिनका सेशन 2020 से 23 है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। मुंगेर विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन को लेकर 9 से 13 सितंबर तक का समय दिया है। रजिस्ट्रेशन व दस्तावेज सत्यापन आज तक, मतलब रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज का सत्यापन आज तक हो रहा है। तो जल्दी से आप लोग जाए और अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए या फिर सत्यापन नहीं करवाए हैं तो जल्दी से आप लोग करवा लें। पार्ट वन वालों के लिए ये मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2020-23 स्नातक पार्ट वन में नामांकित वैसे छात्र छात्राएं जो पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए समय में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, उन्हें अपने दस्तावेज सत्यापन और रजिस्ट्रेशन को लेकर 9 से 13 सितंबर तक का समय दिया गया है जो आज सोमवार को समाप्त हो जाएगा। वहीं इसके साथ विश्वविद्यालय ने इस सत्र में नामांकित वैसे छात्र छात्राएं जिनके आवेदन में जाति, कोटि या इंटर प्लस टू के अंक में त्रुटि हो गई थी, उन्हें भी इस अवधि में कॉलेज से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें अपने त्रुटि को लेकर संबंधित छात्र छात्राएं कॉलेज में आवेदन दे सकते हैं, जिसके बाद विश्वविद्यालय ऐसे छात्र छात्राओं की सूची 15 सितंबर तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय ने सत्र 2020-23 स्नातक पार्ट वन में नामांकित वैसे छात्र छात्राएं जिनका पंजीयन अब तक नहीं हो पाया है उनके लिए सभी कॉलेजों को 9 से 13 सितंबर तक दस्तावेज सत्यापन करते हुए आवश्यक सामंजन एवं पंजीयन करने का निर्देश दिया है, जिसे लेकर कुलपति प्रोफेसर श्यामा राय के आदेश पर अधिसूचना करते हुए सभी कॉलेजों के प्राचार्य को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि सत्र 2020-23 स्नातक पार्ट वन में नामांकित वैसे छात्र छात्राएं जिनका रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हो पाया है डीएस कॉलेज सिकंदरा के विज्ञान संकाय और एसएस कॉलेज मेहुस के 6 विषयों में के छात्र छात्राओं को छोड़कर संबंधित दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करते हुए आवश्यक सामंजन एवं पंजीयन करें, 9 से 13 सितंबर तक संपन्न कराते हुए विश्वविद्यालय को 15 सितंबर तक सूचित करें। ये देखिए, जाति कोटि में त्रुटि वाले छात्र छात्राओं की मांगी गई है सूची। विश्वविद्यालय इस दौरान कॉलेज से वैसे छात्र छात्राओं की सूची भी मांगी है जिनके आवेदन में जाति कोटि के त्रुटि होने के कारण वे रजिस्ट्रेशन से वंचित रह गए थे। विश्वविद्यालय इसके लिए सभी ऐसे छात्र छात्राओं की सूची 15 सितंबर तक मांगी गई है, जिसके बाद उनके त्रुटियों को लेकर सामंजन किया जाएगा। इसके लिए ऐसे छात्र छात्रा 9 से 13 सितंबर के बीच कॉलेज से संपर्क कर अपने त्रुटियों को लेकर आवेदन दे सकते हैं, बोले DSW। विश्वविद्यालय के DSW सह नामांकन समिति पदाधिकारी डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया कि सत्र 2020-23 स्नातक पार्ट वन में नामांकित वैसे छात्र छात्राएं जिनके आवेदन में जाति कोटि संबंधित त्रुटि हो गई है उनकी सूची कॉलेजों से 15 सितंबर तक मांगी गई है, जिसके बाद विश्वविद्यालय से छात्र छात्राओं का सामंजन करेगी। तो जिन लोगों का भी सत्यापन नहीं हुआ है तो वो लोग भी अपना जल्दी से सत्यापन करवा लें, क्योंकि आज लास्ट डेट है। तो जल्दी से आप लोग जाए। अगर आप इस पेपर के कटिंग को पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पेपर के कटिंग को पा सकते हैं। मैं कोई भी न्यूज़ सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही डालता हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। तो कोई भी न्यूज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही सबसे पहले उपलब्ध हो जाएगी और उसके बाद मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। तो इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद एंड थैंक यू।